तो GTL की तरफ से कुछ पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आ रहा है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। और वीडियोस में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूँ कि टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप पर जरूर जुड़ जाइए, वहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। क्या है वहाँ की बातें वहीं करेंगे, लेकिन आप लोग जुड़ के जरूर देखें, ठीक है। बात करते हैं यहाँ GTL का। GTL इंफ्रा में हमें एक पॉजिटिविटी दिख रहा है, वो क्या है कि इसके फंडामेंटल में कुछ सुधार हो रहे हैं। और वो फंडामेंटल में सुधार क्या हुआ है कि देखिए, पहले ये जो कंपनी था ना, इसका मार्केट के बहुत कम था, 900 से लेकर के 1000 के बीच में ही था। और अभी आप देखेंगे तो 2254 करोड़ का मार्केट कैप हो गया है इस कंपनी का, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। और यहाँ पर आप ग्राफ यदि देखेंगे तो ये जो स्टॉक है गिर करके 75 पैसे तक आया था, उसके बाद इस शेयर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई लगा रहा है और लगातार अपर सर्किट ही लगाते जा रहा है। पिछले 6 महीने में इसका ग्राफ देखें तो 6 महीने से ये जो शेयर है पॉजिटिव रिटर्न लोगों को दे रहा है। लेकिन बात ये है कि उस पॉजिटिविटी का क्या फ़ायदा जहाँ पर लोग 3 रुपया में, 2.5 रुपये में, 2 रुपये में निवेश करके बैठे हैं, तो उनको तो यहाँ अभी भी जो है वो नुकसान में ही है। और यहाँ पर एक और आपको पॉजिटिविटी दिखेगा, वो ये है कि कंपनी जो है वो अपने कर्ज को कम की है। यहाँ पे आप देखें 4508 का था और यहाँ 4207 करोड़ की है, तो कंपनी तो कर्ज को कम कर रही है। अब धीरे धीरे ये चीज़ें और भी ज़्यादा सुधरेगी आने वाले समय में। लेकिन इसमें एक नेगेटिविटी है कि आप देखेंगे कि जो FIIS की होल्डिंग है, यहाँ पर लगातार गिरावट देखने को हमें मिल रहा है। 14 था, 40 से 30, 12, और अब जो है वो मात्र 10% का यहाँ पर FIIS बचे हैं। और ये जो आपको दिख रहा है ना यहाँ पर कि प्रमोटर्स की होल्डिंग 3.28% की है, ये भी पूरी तरीके से गिरवी में है। और यहाँ पर पब्लिक ही हैं जो सारे शेयर को खरीदे जा रहे हैं। अब बात ये है कि ये जो शेयर है इसमें हमें तेज़ी देखने को क्यों मिल रहा है, तो इसके पीछे 2 वजह हो सकते हैं जो कि मैं आपको टेलीग्राम पर भी अपडेट दिया था। वो ये है कि प्रमोटर्स के हाथ पूरे हैं इसमें। और देखिए, मैं कभी भी किसी भी शेयर में इन्वेस्ट करने का राय नहीं देता, मैं कोई सेबी वित्तीय सलाहकार नहीं हूँ, पर निवेश करना ना करना ये आपके ऊपर है। पर फंडामेंटल के तौर पर ये जो कंपनी है फिलहाल अच्छी होती दिख रही है। हाँ, मैं शुरू से कह रहा हूँ कि ये जो शेयर है लॉन्ग टाइम के लिए बेहतर हो सकता है, पर आपको काफ़ी लंबे समय इंतज़ार करवाएगा। और हाल ही में एक खबर निकल के आया था कि BSNL ने इस कंपनी को एक बड़ा प्रोजेक्ट पर चर्चा किया है और जिसका जो अप्रूवल है वो टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने दे भी दिया है। और इसका असर जो है आने वाले समय में, ठीक है, आने वाले समय में इसका असर जो है GTL इंफ्रा पे देखने को मिलेगा। पर ये तो तब की बात है जब वो समय आएगा, लेकिन फिलहाल ये जो कंपनी है इसी तरीके से ट्रेड करता हुआ दिखेगा। और इसका कोई गारंटी नहीं कब ये जो शेयर है वो ड्रॉप हो जाए, कब ये जो शेयर है वो ऊपर चला जाए। और हाँ, एक बात आपसे कहनी थी कि वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में पेनी स्टॉक का लिस्ट दिया हुआ है जो 2024 के लिए अच्छे अच्छे पेनी स्टॉक हैं। अगर आप लोग उन पेनी स्टॉक को देखना चाहते हैं तो वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके एक बार चेक कर लें। और टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियोस में GTL इंफ्रा के न्यूज़ के नए अपडेट के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।